ये देखो वेलकम बैक टू माई चैनल लर्न विद मी हिमानी जोशी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर। ओके सो गाइज, आज का जो ब्लॉगिंग है वो बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छी होने वाली है। अब आप लोग पूछेंगे क्यों? क्योंकि हमने घर में पहली बार अरबी उगाई है। ओह माय गॉड, वाओ, यू नो बिलीव हो रहा है आप सबको? मुझे पहले नहीं हुआ था, बट फिर करना पड़ा जब मैंने अपनी आंखों के सामने उन्हें देखा। या हमने हमने अरबी उगाई है, और वो कैसे हम लोग उस अरबी को यू नो लाइक निकाल रहे हैं, खोद रहे हैं, और कैसे उसको खाने के योग्य बना रहे हैं, मतलब कैसे हम उसको कर रहे हैं, सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगी। तो एंड तक जुड़े रहिए मेरे साथ और देखिए कि कैसे मैं मम्मी नानी मैं भूल गई नानी भी आई हुई है। तो मैंने पहले भी उनके संग ब्लॉगिंग में वीडियो डाल चुकी हूँ, तो नानी भी इस बार बहुत काम कर रही है अरबी के लिए। तो देखते हैं, चलो बिना बातें किए सीधा आपको लेके चलती हूँ कि कैसे हम काम कर रहे हैं अरबी पे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे यू नो नानी गाँव से आई है, और गाँव के लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, उनको अच्छा लगता है काम करना। तो हमने मना भी किया है ग्रैनी से कि आप मत कीजिए काम, बट उनको अच्छा लगता है। यू नो मैंने बताया बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, तो देखो कैसे काम कर रही हैं वो, और उन्होंने बताया कितनी सारी अरबी अच्छी कर चुकी हैं। नानी हेलो हाय। देखो नानी की मेहनत, उन्होंने इस वाली बकेट पे कितनी सारी अरबी निकाल दी है, और हम इसे खा जाएंगे। और ब्लॉगिंग के दूसरी साइड पे देखो मम्मी लगी हुई है खोदने पे। ओ कितना बड़ा निकल गया है। और मम्मी कैसा लग रहा है खोद के? बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। ये देखो इतना सारा निकाल दिया है मम्मी ने। इनकी तो बहुत सारी चीजें खा लेंगे, पकौड़े भी खा सकते कुछ भी। ये देखो कितने सारे उग चुके हैं। ये देखो मम्मी कैसे खोद रही है। मम्मी ने ग्लव्स पहने क्योंकि एलर्जी हो जाती है उनको मिट्टी से, तो हमने उनको ग्लव्स पहनाए हुए हैं। मैं तो बोली थी शू कवर भी पहनो, बट ठीक है। ये तो गड़े निकाल दिए मैंने। ये देखो तो मिलने खरी हम बंदर खोद दे रहे तो निकाल दिए भला भाल पिना भरी। अब खोद दिए ब्याह हो साग बनो भांग डालो ने में भरा फल बनो। ये देखो पिना भरी मेरी हिले लग रहे हैं वहाँ काम धाम धरन में। हाँ इतना काम कर दिया है मम्मी ने। गैस आपको समझ नहीं आ रही होगी ये पहाड़ी है, तो जो पहाड़ी है उनको समझ आ रही होगी जो मम्मी बोल रही है। उन्होंने इतनी मेहनत से इतने सारे पिनालू निकाल दिए गए, देखो कितने बड़े हैं ये। और मम्मी ने इतना काम कर दिया है उसके बाद ही मम्मी कितनी सुंदर लग रही है। और मम्मी कह रही है मेरी इधर ये मम्मी की मेहनत देखो। मम्मी खुद भी तुम पपाया जैसी लग रही हो। मैं पपाया ही जैसी हूँ, मैं खाई पी घर की हूँ ना, मैं खाली सोचते मुझसे लोगों के घरों में पैदा नहीं हूँ। मेरे माँ बाप जो है किसान लोग हैं, और सिर के घर में मेरा जन्म हुआ है। और सीरियसली गाइस, मम्मी ने ही जितने पपाया है सब यू नो लगाया, तो पूरा क्रेडिट इन्हीं को जाता है। सो गाइस, मम्मी और नानी को देखकर मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है कि मैं भी जाऊँ और थोड़ा यू नो अरबी खोदूँ। सो यार, तो जाने से पहले थोड़ा ग्लव्स कैरी कर लेते हैं, बिकॉज मुझे एलर्जी है, हो जाती है यू नो आज का थोड़ा मौसम ही वैसा है, और मास्क कैरी करें ताकि हमें एलर्जी ना हो। सो ओके, और गाइस मास्क तो हमें वैसे भी पहनना चाहिए बिकॉज कोरोना अभी तक गया नहीं है। ये
बात हमने अरबी इकट्ठा कर ली है और नानी अभी मेहनत करने पे लगी हुई है, या तो जितने भी अरबी इकट्ठा करी है उनकी प्रोटेक्शन निगरानी के लिए कौन है? लियो, तो या लियो इनकी प्रोटेक्शन कर रहा है, निगरानी कर रहा है ताकि इन्हें कोई खा